आज हम दीर्घकालिक विकास या सतत विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दीर्घकालिक विकास की परिभाषा ये है कि हमें जो वर्तमान में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन है उनका उपभोग और प्रयोग इस प्रकार किया जाए जिससे वो भविष्य में आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित बने रहें और साथ ही साथ हम वर्तमान में भी उनके द्वारा अपने जीवन के लिए पूर्णता उपयोग कर सकें। सतत विकास या दीर्घकालिक विकास को इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इसकी जड़ लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, समृद्धि की सीमाएं उसमें मिलती है। लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, समृद्धि की सीमाएं पर्यावरणविदों द्वारा 1971 में ये अवधारणा दी गई थी। इसके बाद स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन जो 1972 में हुआ था उसमें भी सतत विकास के मूल या बीज मिलते हैं। सतत विकास के बारे में स्पष्ट रूप से परिभाषा संयुक्त राष्ट्र संघ के 1987 के मसौदे में जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की वह रिपोर्ट ब्रटलैंड कमीशन की रिपोर्ट थी और उस रिपोर्ट का शीर्षक था अवर कॉमन फ्यूचर अर्थात हमारा साझा भविष्य। यह रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत की गई थी और इसी रिपोर्ट में सतत विकास या दीर्घकालिक विकास की परिभाषा प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि प्रकृति के जो संसाधन हैं अर्थात प्राकृतिक संसाधन हैं वो अत्यंत सीमित मात्रा में हैं और प्राकृतिक संसाधनों के अनुपात में जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। इसलिए जो भविष्यगामी जनसंख्या है या भविष्यगामी जो पीढ़ी है उसके उपभोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और उपभोग इस प्रकार किया जाए कि जो भविष्यगामी पीढ़ी के लिए वह संसाधन बचे रहें। इसके बाद सतत विकास के बारे में ये बताया जाता है कि सतत विकास का विकास नियतवाद और संभववाद विचारधाराओं के आधार पर हुआ। नियतवादी विचारधारा लगभग 200 और 250 साल के आसपास प्रस्तुत की गई थी। यह नियतवादी विचारधारा यूरोपियन विचारधारा है अर्थात ये यूरोपीय भौगोलिक दार्शनिकों की विचारधारा है। नियतवाद विचारधारा को रेड जेल जो अमेरिका के थे, एलन चर्चिल सैंपल जो इंग्लैंड के थी, हम्बोल्ट और कार्ल रिटर ये जर्मनी के दार्शनिक थे, भौगोलिक दार्शनिक थे। इन्होंने नियतवाद विचारधारा को प्रस्तुत किया। नियतवाद विचारधारा का सार ये है कि मनुष्य का प्रकृति के ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं है। प्रकृति मनुष्य के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करती है और नियंत्रित करती है अर्थात मनुष्य की संस्कृति, रहन सहन, भाषा, बोलचाल, खान पान और मनुष्य के विचार वो पूर्णतः प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं और मनुष्य की ये नियत बन जाती है कि प्रकृति उसके सामने जो संभावनाएं पेश करती है मनुष्य उन्हीं संभावनाओं का उपयोग करने के लिए बाध्य होता है। नियतवाद विचारधारा में प्रकृति के दोहन की बात नहीं कही गई थी अर्थात इसमें प्रकृति के साथ मजबूरन एक प्रकार का तालमेल बिठाने की बात की गई थी। इसके बाद इस विचारधारा के विरोध में संभववाद की विचारधारा आई। संभववाद की विचारधारा फ्रांसी विचारधारा है जिसे बार्डिल डे लाबलास ने प्रस्तुत किया और इस विचारधारा के अन्य समर्थक लूसियन फेवरे भी थे। संभववादी विचारधारा में ये बताया गया कि प्रकृति मनुष्य के सामने जो संभावनाएं प्रस्तुत करती है मनुष्य उन संभावनाओं का उपयोग करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र या आज़ाद है और मनुष्य उन संभावनाओं का उपभोग करता भी है। तो इसका परिणाम ये हुआ कि मनुष्य ये मान के चलने लगा संभववादी विचारधारा के आधार पर कि हमें जो प्रकृति ने संसाधन उपलब्ध किए हैं वो संसाधन हमारे उपभोग के लिए हैं और हम उनका उपभोग किसी प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि प्रकृति के जो संसाधन थे उनका अत्यधिक दोहन होने के कारण ही पूंजीवाद का विकास हुआ। पूंजीवाद का विकास औद्योगिकरण से संबंधित है। औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड में 1860 के आसपास हुई थी उसी
के आधार पर पूंजीवादी विचारधारा का विकास हुआ। पूंजीवादी विचारधारा और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तीव्र गति से पिछले लगभग 170 वर्षों से हो रहा है और 170 वर्षों से होने के दौरान प्राकृतिक क्षरण और प्राकृतिक प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। और इस संदर्भ में जो सतत विकास की अवधारणा है वो इस संदर्भ में पूर्णतः प्रासंगिक बैठती है, और सतत विकास की अवधारणा या पारिस्थितिक दर्शन के आधार पर हम प्रकृति को बचा सकते हैं। इसके बाद आती है नियतवाद और संभववाद विचारधारा के आधार पर दोनों के सामंजस्य बिठाते हुए नवनियतवाद की विचारधारा 1918 में ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफर टेलर ग्रिफिथ ट्रेलर द्वारा प्रस्तुत की गई थी। उन्होंने एक किताब लिखी थी ऑस्ट्रेलिया, उस किताब में ही उन्होंने नवनियतवाद विचारधारा को प्रस्तुत किया था। इसमें जो पूर्वगामी नियतवादी संभववादी विचारधाराएँ थी उन दोनों विचारधाराओं के अच्छे बिंदुओं को मिलाकर उन्होंने ये नवनियतवाद की विचारधारा प्रस्तुत की थी। नवनियतवाद की विचारधारा लगभग पूर्णतया सतत विकास की विचारधारा संबंधित है। शुरुआत में ग्रिफिथ टेलर का काफ़ी विरोध हुआ, उनके देश ऑस्ट्रेलिया में ही उनकी विचारों का विरोध हुआ, लेकिन जब वो अमेरिका पहुंच गए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया किताब लिखी, उसके बाद वो किताब बहुत ज़्यादा चली और लोग ये मानने पर सहमत हो गए ग्रिफिथ टेलर ने जो बात किताब में कही थी वो लगभग पूर्णतया सही है। इसके बाद ग्रिफिथ टेलर ने इस किताब में ये बताया कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठालना चाहिए। उन्होंने बताया मानव यदि बुद्धिमान है तो उसे प्रकृति ने जो नियम निर्धारित किए हैं उन नियमों के दायरे से हटकर दूर नहीं जाना चाहिए। अगर उन दायरों से दूर हटके जाता है तो प्राकृतिक दोहन जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए उन्होंने ये बताया कि जो मानव है, मानव एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह कार्य करता है, अर्थात मानव विकास की रफ्तार को कम या ज़्यादा तो कर सकता है लेकिन विकास की रफ्तार की दिशा को नहीं बदल सकता। तो ग्रिफिथ टेलर ने यही बताया कि हमें आगे आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए, आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठा के रखना चाहिए। इसके बाद महात्मा गांधी ने 1908 में हिंद स्वराज किताब लिखी थी। हिंद स्वराज किताब में भी महात्मा गांधी ने उस समय यह बताया था कि प्रकृति के पास हमारे देने के लिए, अर्थात हमें देने के लिए बहुत कुछ है। प्रकृति मानव की आवश्यकताएं पूरी कर सकती है लेकिन मानव का लालच पूरा नहीं कर सकती। तो इसी संदर्भ महात्मा गांधी ने यही बताया कि हमें प्रकृति के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। इसके बाद आती है इसी संदर्भ में धारणीय जीवन शैली। धारणीय जीवन शैली अर्थात सतत जीवन शैली, दीर्घकालिक जीवन शैली। दीर्घकालिक जीवन शैली का अर्थ है कि इसमें हमें उपभोक्तावाद को कम करना चाहिए, हमें केवल उन्हीं वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए जिन वस्तुओं के हमें वास्तव में तात्कालिक आवश्यकता है। और इसके आधार पर ये बताया गया कि धारणीय जीवन शैली का आधार बताया गया सुख और आनंद को इसमें वरीयता दी जाती है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव से ही, मनुष्य अपने स्वभाव से ही सुखवादी और उपयोगितावादी होता है। उपयोगितावादी विचारधारा जे.एस. मिल ने प्रस्तुत की थी। उपयोगितावाद का अर्थ होता है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अर्थात अधिकतम व्यक्तियों के सुख में अभिवृद्धि। इसके बाद बात आती है कि संयुक्त राष्ट्र विकास संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसी सतत विकास की अवधारणा को पूरे विश्वव्यापी बनाने के लिए या इसका उपयोग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2030 तक 17 सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की बात कही गई है। इसके अंतर्गत जल संरक्षण है, गरीबी है, गरीब का उन्मूलन है, शिक्षा का विकास है और आय की असमानता समाप्त करना है, सामाजिक न्याय, इसके अलावा सागरीय जल, सागरीय संसाधन उनका संरक्षण, मरुस्थलीकरण का जो विस्तार हो रहा है उसे रोकना, जैव विविधता का जो क्षरण होना है उसे सही करना, नम भूमि अर्थात जो आर्द्र भूमियाँ हैं उनको क्या नाम की संरक्षित करना, रामसर जो कन्वेंशन है उसके अंतर्गत, इसके अलावा निरंतर ऊर्जा, सतत ऊर्जा मिलती रहे इसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधनों पर जोर देना। इसके अंतर्गत 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया है जो मकर रेखा कर्क रेखा के बीच के देशों के बीच का अलायंस है। इसके अंतर्गत लगभग 125 देश सहमत हो गए हैं और इसके द्वारा
आगे आने वाले 20 से 30 वर्षों में पूरे विश्व में सतत विकास के लिए दीर्घकालिक ऊर्जा, सतत ऊर्जा को प्रदान करने की बात कही गई या विकसित करने की बात कही गई। इसके बाद जो इसमें 17 लक्ष्य, उसमें एक लक्ष्य आता है प्रति व्यक्ति आय, हर व्यक्ति की एक निश्चित आय बनी रहे। इसके बाद उसमें आता है सतत कृषि, कृषि को इस प्रकार किया जाए कि जो मृदा अपरदन ना हो, मृदा क्षरण होता है वो रुका रहे, भू क्षरण होता है वो रुका रहे। इसके अलावा प्रकृति में जैविक पोषक तत्वों की मात्रा संतुलित बनी रहे, और प्रकृति में जो खेती है, खेती में उसमें रासायनिक पदार्थों, रासायनिक खादों के कम से कम उपयोग किया जाए, और साथ ही साथ जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाए। मतलब जो 17 विकास लक्ष्य है उसमें सतत कृषि को भी मुख्य रूप से, उसमें मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है। इसके बाद आता है मरुस्थलीकरण का निवारण। पूरे विश्व में वन उन्मूलन हो रहा है, वन उन्मूलन होने से जमीन बंजर हो जाती है, जमीन बंजर होने से मिट्टी ढीली हो जाती है, जिससे मरुस्थलीकरण का विकास होता है, और मरुस्थल धीरे धीरे पूरे विश्व को अपने आगोश में लेते जा रहे हैं। मरुस्थलीकरण के विकास रोकने, मरुस्थलीकरण का विकास रोकने के लिए, उसको अवरुद्ध करने के लिए वनों का लगाने की बात कही है, वनों को लगाने की बात कही है, साथ ही वन उन्मूलन को समाप्त करने की बात कही गई है, और इसके द्वारा जो गरीबी है, गरीबी को समाप्त करने के लिए प्रत्येक देश की सरकार से सामाजिक न्याय और सामाजिक आय की समानता के कार्यक्रम चलाने को प्रेरित किया जा रहा है। इसके बाद इसमें आता है कि सतत विकास को बाधित करने की जो मुख्य कारक कौन कौन से हैं, इसमें तीव्र आर्थिक समृद्धि की होड़, तीव्र आर्थिक समृद्धि की होड़ और बढ़ती हुई जनसंख्या। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो आर्थिक समृद्धि होगी, अगर आर्थिक समृद्धि होगी तो आर्थिक समृद्धि प्राकृतिक संसाधनों की कीमत पर ही होगी, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या को अपनी मूलभूत आवश्यकताएँ, रोटी कपड़ा और मकान प्राप्त करने के लिए अंततः प्रकृति के पास या प्राकृतिक संसाधनों के पास ही जाना पड़ेगा। इसलिए पूरे विश्व में मुख्य रूप से इस समय विकासशील देशों में तीव्र आर्थिक समृद्धि की होड़ क्या नाम की बनी हुई है, जैसे भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, और अफ्रीका के कुछ देश जैसे नाइजीरिया, मिस्र और अरब कंट्रीज, इंडोनेशिया, मलेशिया, जो विकसित देशों की श्रेणी में ना आकर विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं, उनमें तीव्र आर्थिक समृद्धि की होड़ विकसित देशों की तरह बढ़ रही है। विकसित देशों की जनसंख्या कम है लेकिन घनी है, लेकिन वो अपने आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि के चरम को प्राप्त कर चुके हैं, जबकि ये देश उस आर्थिक वृद्धि, आर्थिक समृद्धि के चरम को प्राप्त करने की होड़ में है। अब प्राप्त करने होड़ का पर दुष्परिणाम ये होता है कि ये अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग, पूंजीवाद, वैश्वीकरण, ओजोन क्षरण और भूतापन, जैव विविधता का क्षरण और पर्यावरण प्रदूषण जैसे आपदाएं या समस्याएं पैदा हो रही हैं। अब इसी पूंजीवाद या तीव्र आर्थिक समृद्धि का परिणाम नए नए विषाणु को देखने को मिल रहे हैं, जैसे कोरोना विषाणु, कोरोना महामारी। कोरोना महामारी तीव्र उपभोक्तावाद और तीव्र आर्थिक विकास का ही दुष्परिणाम है। इसलिए हमें ये मानना चाहिए या अपने जीवन शैली में उतारना चाहिए कि हम कम से कम उपभोक्तावाद की तरफ बढ़ें और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हुए सतत विकास की अवधारणा को कार्यान्वित करें।